बनेल, इन्होंने भी कुछ ही अंक, दो तीन अंक निकाले थे, इनको भी गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चला और इनको भी 30 साल की काला पानी की सजा हुई। आठवें और यात्रा एक इकलौती यात्रा नहीं है, ये हमारे विचार परिवार की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से कई यात्राएं हैं जो अलग अलग पार्ट में हो रही हैं और इसका उद्देश्य है अपना गर्व से इस बात को एक दूसरे को बताना, जताना कि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को 75 साल आज़ादी के हो गए हैं। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि जब ये यात्राओं में मैं आता हूँ, मुझे मन में ख्याल आता है कि जब 50वां वर्ष था तो मैं छात्र जीवन में था, स्कूल में था, और वो हम लोग के मन में बात बैठ गई और एक राष्ट्रवाद की एक उमंग जागी जो आज तक हमारे साथ है। ये छोटे बच्चे हैं, जब उसको देखेंगे, जब इस यात्रा में भाग लेंगे तो उनमें एक राष्ट्रवाद पैदा होगा। और हमारे विचार परिवार का, संघ परिवार का हमेशा उद्देश्य होता है, राजनीति उद्देश्य नहीं होता, हमेशा राष्ट्रवाद उद्देश्य होता है। इस तरीके से अगली पीढ़ी को ट्रेन किया गया, भविष्य के नेताओं को ट्रेन किया गया, नरेंद्र मोदी जी को ट्रेन किया गया, जी, और शहीदों को नमन और 75 साल जो हमारे आज़ादी के हुए उसको याद करें। आपके सभी व्यूअर्स को मैं इस महान होता है, अंग्रेज कहे थे कि इनको आज़ादी दे दोगे 4-5 साल में फिर गुलाम हो जाएंगे या सिविल वॉर हो जाएगी, लेकिन औरों के यहाँ सिविल वॉर हो गई, लेकिन हमारे देश 75 साल तक डेमोक्रेसी कायम है, इसके लिए सारे व्यूअर्स को